good morning students welcome to maths cafe students in our previous video we already discussed the first four questions of exercise 13.3 today we continue with the same exercise 13.3 with the question number 5 so let us start question number 5 is what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter

एंड जो हम टेंट बनाएंगे उस टेंट की हाइट हमें गिवन है एट मीटर एंड बेस रेडियस इज सिक्स मीटर और स्टिचिंग मार्जिन और कटिंग में जो एक्स्ट्रा लेंथ हमें लगेगी वो है हमें पा, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी सेंटीमीटर पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर थ्री पॉइंट वन फोर लेनी है नॉट ट्वेंटी टू बाई सेवन नहीं लेंगे हम यहाँ पर अब एक क्लोथ से हम टार्लोथ से हम जब टेंट बना रहे हैं टेंट कॉनिकल टेंट में हमने फोर्थ क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि टेंट में हमारा बेस नहीं होता सिर्फ क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया इट मीन्स कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया टेंट का होगा दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस टारपोलिन ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे अब कोई भी क्लोथ अगर आपने कभी देखा है आप मार्केट से कभी किसी भी चीज के लिए क्लोथ लेते हैं मे बी इट इज फॉर द शर्ट और फॉर एनीथिंग आपके मदर सूट्स वगैरह के लिए कोई क्लोथ लेती है तो हमारे पास कैसा होता है रेक्टेंगुलर शेप तो उस क्लोथ की यहां पर हमें क्या हो जाएगा लेंथ इन टू ब्रेथ बिकॉज इट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप सो नाउ अप्लाई विथ दिस कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम गिबन हमने यहाँ पे लिख दिया है गिबन है हमारे पास हाइट ऑफ द टेंट इज एट मीटर रेडियस इज सिक्स मीटर विथ ऑफ द कैनवस इज थ्री मीटर लेंथ वी हैव टू फाइंड अब हमें यहाँ पे कर्व सर्फेस एरिया टेंट का निकालना है एंड द फॉर्मुला फॉर द कर्व सर्फेस एरिया इज पाई आर एल वेर एल इज स्ल्ट एंड वी डिनोट द स्लानाइट बाई स्मॉल एल दैट्स वाई वी डिनोट द लेंथ ऑफ द कैनवस वॉट आर पुल बाई कैपिटल एल ताकि नोटेशन हम डिफ्रेंशिएट कर सकें तो so, यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी स्लॉन्ट हाइट को निकालेंगे Slant height is slant height of cone denoted by small l is under the root r square plus h square. Now substitute the value r is 6 meter and height is 8 meter. So this is 36 plus 64, square of 6 is 36 and square of 8 is 64, and this is root 100 and we know the square root of 100 is 10 it means our slant height is 10 meter now curved surface area of tent is equal to area of canvas and the curved surface area is pi r l and the area of the canvas is capital l into b because it is of rectangular shape now substitute the values value of pi is given in question 3.14 Radius is six and length is eight. Here L we have to find and b is given three. So L is equal to three point one four into six into eight divided by take this three in denominator. Now this is three twos six. Sorry this.

जो मार्जिन में आ रही है और स्टिचिंग वेस्टेज में हमारे पास आ रही है एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड इज 20 सेंटीमीटर नाउ कन्वर्ट दिस 20 सेंटीमीटर इन मीटर सो डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस इज 0.2 मीटर एंड हेंस द टोटल जस्ट वेट टोटल लेंथ ऑफ कैनवस इज इन दोनों लेंथ को हम ऐड कर दें 62.8 और जो मार्जिन में हमारे पास आ रही है 0.2 पॉइंट टू मीटर सो दिस इज 63.0 थ्री पॉइंट जीरो दिस इज सिक्सटी मीटर इज द आंसर एंड दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन

जो रेट ऑफ वाइट वॉशिंग टू हंड्रेड पर हंड्रेड मीटर स्क्वेयर ये हमें बहुत रखना है इट इज नॉट पर मीटर स्क्र ओके तो डायरेक्ट ऐसे नहीं कि हम सिर्फ सर्फेस एरिया निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सो लेट इस गिवन थिंग्स इट इज गिवन दैट plant height is 25 meter diameter is given 14 meter so therefore radius is half of the diameter and this is 7 meter now area to be whitewashed area to be white Washed is the curved surface area of cone, and this is pi rl. We have given everything, put the value of pi 22 by 7, radius is given 7, and slant height is 25. This 7 is cancelled.

हमें 550 के लिए निकालने हैं तो जनरल इक्वेश में क्या होता था पर मीटर स्क्वेयर की गिवन होती थी तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे तो सेम हम यहाँ पे पहले पर मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट निकालेंगे सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश पर वन मीटर स्क्वेयर और जब कम के लिए निकालते हैं तो हम क्या करते हैं डिवाइड सो टू डिवाइडेड बाय हंड्रेड नाउ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश पर फाइव हंड्रेड मीटर स्क्वेयर फॉर फाइव हंड्रेड मीटर स्क्वेयर और ज़्यादा के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वी हैव टू मल्टीप्लाई फाइव हंड्रेड फिफ्टी से इसको मल्टीप्लाई कर दें नाउ दिस वन जीरो इज कैंसल दिस इज कैंसल सो नाउ मल्टीप्लाई ट्वेंटी वन विद फिफ्टी फाइव एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दिस इज डबल वन डबल फाइव इलेवन हंड्रेड फिफ्टी फाइव जोकर इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ बेस रेडियस सेवन सेंटीमीटर हाइट ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर और जोकर कैप किस शेप में होती है हमारे पास कोन की शेप और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया वहां पर होता है उसमें बेस नहीं होता अगर बेस पर सर्कल होगा तो उसको हम वेयर नहीं कर सकते हैं सो इट ओपन कोन फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड कितनी शीट रिक्वायर होगी दैट इज इक्वल टू द कर्व सर्फेस एरिया एंड वी हैव टू मेक टेन सच कैप्स तो कर्व सर्फेस एरिया वन कैप का निकाल के उसको हम टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे नाउ द गिवन थिंग इज जो जो गिवन है वो हम यहाँ पे पहले लिख लें रेडियस ऑफ कैप इज गिवन सेवन सेंटीमीटर हाइट ऑफ कैप इज आल्सो गिवन ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए किसके रिक्वायरमेंट है स्लांट हाइट की सो फर्स्ट फाइंड स्लांट हाइट That is equal to under the root r square plus h square. Now substitute the values r is 7 square, height is 24 square, and this is 49. Square root of 24 is 576. 49 plus 576 is 625, and the square root of 625 is 25 centimeters. So slant height is. वेड्यूज ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडियस इज सेवन एंड दिस इज ट्वेंटी फाइव दिसन सेवन इज कैंसल्ड सेम हमने कैल्कुलेशन प्रीवियस क्वेश्चन में भी अभी की थी यहाँ पर भी हमारे पास टwenty two into twenty five था सेम यहाँ पर है दिस प्रोडक्ट इज़ five hundred fifty सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी कैप्स हमें यहाँ पे बनानी है टेन सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ़ टेन कैप्स इज़ टेन से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सो दिस इज़ डबल five डबल zero हेंस एरिया ऑफ Sheet required is fifty five hundred centimeter square. This question is complete. Direct apply applications here. Here formulas. Ki. Now the last question of this exercise, question number eight. Question number eight is. बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाई यूजिंग फिफ्टी हॉलो कॉन्स मेड ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड कई बार हम देखते हैं कि हम हाईवे पर जा रहे हैं तो कुछ भी अगर व्हीकल कहीं पर खराब होकर खड़ा है तो उसको वो रस्ते को बैरिकेट कर देते हैं वहाँ पे कॉन्स वहाँ वो लगा देते हैं बैरिकेट जो होते हैं दे आर इन द शेप ऑफ द कोन्स ईच कॉन हैज अस डायमीटर फोर्टी सेंटीमीटर एंड हाइट वन मीटर इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द पेंटेड हमें बाहर से उसको पेंट करना है तो इट मीन सरफेस एरिया एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मीटर स्क्वेयर देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वेयर है इसका मतलब हमें हर डायमेंशन को अपनी मीटर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ जो डायमीटर था फोर्टी सेंटीमीटर वीव टू कन्वर्ट इट इन टू मीटर वट विल बी दस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स तो सभी कॉन्स को सभी फिफ्टी कोन्स को पेंट करने की कितनी कॉस्ट आएगी एंड हेयर इट इज गिवन द वैल्यू ऑफ पाईस थ्री पॉइंट वन फोर एंड टेक अंडर द रूट वन पॉइंट जीरो फोर इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो टू इसका मतलब ये वैल्यू हमारी यहाँ पे सॉल्यूशन में कहीं पर आएगी सो फर्स्ट राइट द गि थिंग्स डायमीटर इज गिवन डायमीटर ऑफ कॉन इज फोटी सेंटीमीटर और अभी हमने इसको क्या डिस्कस किया था कि वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर सो डिवाइडेड बाय हंड्रेड एंड दिस इज जीरो पॉइंट फोर मीटर देर फोर रेडियस हाफ ऑफ दिस जीरो पॉइंट टू मीटर एंड हाइट इज गिवन वन मीटर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है फॉर्मुलाइज पाई आर एल इट मीन्स सबसे पहले हम उसकी स्लॉन्ट हाइट निकालेंगे दैट इज आर प्लस स्क स्क्र अंडर द स्क्वेयर रूट नाउ वैल्यूज रेडियस इज जीरो पॉइंट टू स्क्ट इज वन स्क्वेयर एंड दिस इज जीरो पॉइंट जीरो फोर प्लस वन एंड आफ्टर एडिशन दिस इज वन पॉइंट जीरो फोर नाउ क्वेश्चन में हमें गिवन है अंडर द रूट वन पॉइंट फोर जीरो इज वन पॉइंट जीरो टू सो दिस इज स्ल्ट ओके नाउ कर्वड सरफेस एरिया ऑफ कौन इज पाई आर एल The value of pi is given 3.14, radius is 0.2 and slant height is 1.02 and after multiplication this is 0.64056 meter square. अब हमें कितने कोंस को यहाँ पे, पे पेंट करना है 50 को तो इस पहले हम 50 कव का कव सरफेस एरिया निकाल लें Curved surface area of fifty cones. It means we multiply the curved surface area of one cone with fifty, and this is after multiplication. This is thirty-two point zero two eight double zero, or you can simply write it. as point zero two eight meter square. दिस इज द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ फिफ्टी कोस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वेयर इज रुपीज ट्वेल्व तो अब हमें कितना एरिया पेंट करना है थर्टी टू पॉइंट जीरो टू एट मीटर स्क्वेयर और जब ज्यादा के लिए निकालते हैं तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Multiply 12 with 32.028. And after multiplication, this is 384.34. So, this is the cost of painting of 50 cones. And with this, this exercise is complete. Thank you and have a nice day.